हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो के अंदर। आप लिए हम एग्ज़ाम्स के लिए जो अप्रैल का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो लेके आए। आरआरबी एनटीपीसी हो गया, जेई का देखो इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद जेई का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है, एसबीआई क्लर्क का प्री भी बहुत जल्दी होने वाला है, और एनटीपीसी का जेई का एग्ज़ाम होते ही विद इन 15-20 मिनट्स बाद में एनटीपीसी का भी हो जाएगा। तो करंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो करंट अपन को सारा कवर करके चलना है। और ये हमारा सेकंड पार्ट है, हमने फर्स्ट से 10 अप्रैल तक का सारा करंट पार्ट फर्स्ट में कवर किया था। ये पार्ट सेकंड है जिसके अंदर अपन अप्रैल की 11 से लेकर लास्ट तक का सारा करंट कवर करेंगे। इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट करंट जो एग्ज़ाम पर्पज से इम्पॉर्टेंट है, देखो मैं वही इम्पॉर्टेंट करंट कवर करूँगा। जो करंट एग्ज़ाम से इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको कवर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और सारे इम्पॉर्टेंट जो भी एग्ज़ाम्स के लिए आप इम्पॉर्टेंट है करंट, वो सारा कवर इसके अंदर हो जाएगा कम्प्लीटली। तो आप हम पर ट्रस्ट रखें और इस वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि हर एक लाइन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अपन देखो चैनल का आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ये हमारा एग्ज़ाम वॉच है, एग्ज़ाम हमारी वेबसाइट भी है जिसमें आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है जो हम यहाँ पर दे रखा है एग्ज़ाम वॉच करके, एग्ज़ाम वॉच LN करके। यहाँ पे आप जाएँ, पूरे टेलीग्राम का मैं लिंक आपको नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिसमें आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी आप टेलीग्राम वेबसाइट पे भी टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और इसकी PDF भी मिल जाएगी। तो आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप वहाँ पे जुड़ जाएँ, चैनल के अंदर आ जाएँ, ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और वहाँ पर जो भी हम वीडियोज़ डालते रहते हैं, नए नए वीडियोज़ हम डालते रहते हैं, वो सारी आपको अपडेट उस टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर मिल जाएगी और उनकी PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। तो पहली करंट अपन देखते हैं। देखो एक पहली करंट ये है कि अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल लीडर्स पोजीशन एंड एक्शन ऑन एयर क्वालिटी इन इंडिया इन 2014-19 रिपोर्ट, कानपुर रैंक फर्स्ट एज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। तो क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है, कौन सा अभी रिपोर्ट आई है जिसमें कौन इंडिया का कौन सा ऐसा सिटी है जो सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी के अंदर उसको माना गया है। तो कानपुर इसका आंसर होगा, कानपुर रैंक्ड फर्स्ट एज अ मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। ठीक है, अब इसके डिस्क्रिप्शन अब तो मैंने इसको पूरी जो भी इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगे इस रिलेटेड के जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं वो ऑलमोस्ट मैंने सारे इसके अंदर कवर किए हैं। ऐसे ही मैं इसके अंदर सब कवर करूँगा। देखो क्विज फॉर्म में भी मैं इसको ले सकता था, बट मैंने क्विज फॉर्म में इसलिए नहीं लिया है क्योंकि क्विज के अंदर अपन उसको सारा करंट नहीं कवर कर सकते। सिर्फ आप A1 लाइनर के बारे में आपको बता दूंगा, आप और भी वीडियोस देख सकते हैं, YouTube के अंदर खूब वीडियोस हैं, आप जाएं उनको देखें, मेरे को कोई इशू नहीं है। बट एग्ज़ाम्स के अंदर आजकल पॉइंट टू पॉइंट नहीं पूछा जाता है, उसके आसपास का भी पूछा जाता है। जैसे अभी RBI ने 20 रुपीज़ का नोट रिलीज़ किया, तो वो ये थोड़ी पूछेगा आपसे कि भाई 20 रुपीज़ का नोट किसने रिलीज़ किया है, वो ये पूछेगा उसमें एलोरा केव की फ़ोटो है, तो किस पूछेगा भाई किसकी फ़ोटो है वहाँ पर, उसके अंदर उसका कलर क्या है, उसकी साइज़ क्या है, तो ये वो आसपास की डिटेल आपसे पूछेगा। अब वो क्विज की फॉर्म पर टाइट आपसे एक वन लाइनर के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आसपास की न्यूज़ भी आपको उसको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें आप वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से उसका यही बन सकता है कि भाई कानपुर रैंक्ड एज द फर्स्ट मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया। ठीक है, दूसरी न्यूज़ अगर अपन देखें, अभी हांगकॉन्ग ने क्या किया, जापान को सरपास कर दिया है और वो वर्ल्ड थर्ड बिगेस्ट स्टॉक मार्केट बन चुका है। तो पहले जापान था, अब हांगकॉन्ग बन चुका है। तो फर्स्ट कौन था, देखो यहाँ पे लिखा गया फर्स्ट कौन था, अब ये भी इम्पोर्टेंट है। अब ये हांगकॉन्ग तो है ही कि भाई ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बट फर्स्ट पूछ ले तो मैंने इसके डिटेल के अंदर नीचे आपको नीचे मेंशन कर रखा है, फर्स्ट US है और नीचे सेकंड चाइना है। इसलिए ये PDF भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, क्योंकि आप उसको आराम से उसको जाके डाउनलोड करने के बाद में आप आराम से उसको डिटेल से पढ़ सकते हैं, और एक बार पढ़ने के बाद में आपको फिर दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन्हें इतने आराम से इतना बढ़िया कंटेंट आपके लिए तैयार कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ अपन देखें, PM नरेंद्र मोदी को एक रशियन का हाईएस्ट स्टेट ऑनर मिला है। ठीक है, रशियन का तो किस अभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई रशिया का हाईएस्ट स्टेट ऑनर अभी रिसेंटली किसको मिला है, PM नरेंद्र मोदी को मिला है। ठीक है, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल अवार्ड है ये। फिर नेक्स्ट न्यूज़ अपन देखें, तो इंडोनेशिया नुरेनी नेम्ड बेस्ट एथलेटिक कोच इन एशिया 2019। तो अभी एशिया एथलेटिक एसोसिएशन ने डिक्लेयर किया है जिसमें इंडोनेशिया का जो नुरेनी नेम्ड है वो बेस्ट एथलेटिक कोच इन एशिया के अंदर उसको दिया गया है। किसको दिया गया है, नुरेनी नेम्ड, इंडोनेशिया का नुरेनी
इंडोनेशिया का नुरैनी, ठीक है, इसका पूरा नाम है एनी नुरैनी, एनी नुरैनी। किसने दिया है? एथलेटिक कोच, एशियन एथलेटिक एसोसिएशन। नेक्स्ट न्यूज अपन देखें, देखो ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉर्वे ने टॉप किया है और इंडिया की रैंक है 140 किसके अंदर? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019। देखो जो भी रैंक वैंक के क्वेश्चन आते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आप इसको बिल्कुल, इसको आपको मालूम होना चाहिए कि भाई कौन सी इंडिया की कौन सी रैंक आई है और टॉप पे कौन रहा है। तो इंडिया की 140 थी, पहले इंडिया की क्या थी 138 थी, दो और नीचे डाउन चली गई है 140 हो गई है। अब तो रीज़न भी अगर आप जानना चाहते हैं तो भाई रीज़न भी जान सकते हैं कि रीज़न फॉर डिक्रीज इन इंडिया रैंक इज बिकॉज कि अभी क्यों 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 क्या कारण था कि भाई इंडिया की रैंक कम हो गई, ये 6 इंडियन जर्नलिस्ट अभी रिसेंटली किल्ड हुए हैं इन लास्ट वन ईयर, लास्ट एक साल के अंदर 6 इंडियन जर्नलिस्ट की मृत्यु हुई है, इसलिए भी इस अपनी जो रैंक है वो गिरी है, इसलिए 140 रैंक है अपनी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर। नेक्स्ट न्यूज़ अपन देखें कि सऊदी अरेबिया इज गोइंग टू हॉस्ट G20 समिट इन रियाद इन नवंबर 2020, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया क्या है, वो होस्ट करेगा G20 समिट इन रियाद, रियाद के अंदर, सऊदी अरेबिया की रियाद के अंदर G20 समिट होस्ट करेगा 2020 के अंदर, ठीक है। अब 2019 के अंदर क्या होगा, तो G20 समिट 2019 के अंदर होगा ओसाका जापान के अंदर, ओसाका जापान के अंदर, ठीक है। 2020 के अंदर होगा रियाद के अंदर और 2019 होगा ओसाका जापान के अंदर, ठीक है। अब G20 के अंदर कंट्रीज़ कौन कौन सी आती है तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपको एक ही इसके अंदर सब डिटेल्स आपको मिल जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे PDF इंपॉर्टेंट है, और मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जाएँ और वहाँ पे आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर इसकी PDF डाल देंगे तो आप वहाँ से आप आराम से देख सकते हैं। वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, हमारी वेबसाइट के अंदर भी आपको हमारी PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो G20 समिट के अंदर कौन कौन है, एक तो यूरोपियन यूनियन है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको एंड सो ऑन। तो आप ये देख, US भी है, UK भी है, टर्की भी है, सऊदी अरेबिया भी है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ अपन देखें, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इंडिया के सिर्फ आसपास की जो कंट्रीज़ है वो उसमें अगर कुछ न्यूज़ बनती है और वो न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। तो नेपाल ने क्या किया, अपना फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया है, नेपाली SAT-1 इंटू स्पेस। देखो ये नेपाल की कंट्री ने लॉन्च नहीं किया है, देखो अभी नेक्स्ट न्यूज़ है कि श्रीलंका ने भी किया है, तो ये नेपाल और श्रीलंका ने मिलके या उनकी कंट्री ने लॉन्च नहीं किया है, वहाँ के जो साइंटिस्ट थे वो उन्होंने लॉन्च किया है, बट वो उनकी कंट्री के अंदर नहीं थे, ठीक है। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ कि नेपाल ने क्या किया है, उनका जो फर्स्ट सैटेलाइट है नेपाली SAT-1 वो लॉन्च किया है, ठीक है। और श्रीलंका का फर्स्ट सैटेलाइट रावणा फर्स्ट ये लॉन्च किया है, ठीक है, रावणा फर्स्ट, ठीक है। और ये लॉन्च कहाँ से हुआ है, ये हुआ है मिड अटलांटिक रीजनल स्पेस पॉड से, और नासा वेलॉप्स फ्लाइट फैसिलिटी ऑन वर्जिनस ईच सो, ठीक है। और बस ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, इसकी लाइफ स्पैन इसमें बता रखी 1.5 ईयर्स है और ये 400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, मतलब ये लो ऑर्बिटल, ठीक है, लो ऑर्बिटल के अंदर है, अपने जो पृथ्वी है उससे जस्ट थोड़ी सी ऊपर लो ऑर्बिटल के अंदर, फिर उसके ऊपर जाएंगे तो मीडियम हो जाएगा, मीडियम ऑर्बिटल आ जाएगा, फिर उसके ऊपर जाएंगे तो जियो स्टेशनरी आ जाएगी, ठीक है। तो लो ऑर्बिटल पाथ के अंदर, लो ऑर्बिटल के अंदर इसको लॉन्च किया 400 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। और जी यहाँ के जो साइंटिस्ट थे वो यहाँ पे स्पेस पॉट एट नासा ने इसको स्पॉन्सर किसने किया था, नासा ने स्पॉन्सर किया था। तो ये ना जी यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं वो जापान के अंदर किसी जापान की यूनिवर्सिटी के अंदर वहाँ पे वो स्टडी कर रहे थे और नासा ने उनको स्पॉन्सर किया और उन्होंने वहाँ पे इसको लॉन्च किया। तो ये जो ये साइंटिस्ट थे वो वहाँ पे जापान के अंदर स्टडी कर रहे थे, तो है तो वो इन्हीं कंट्रीज के। तो ये जो नेपाली सैट फर्स्ट है उन्होंने इसका नाम भी ये रखा था नेपाली सैट फर्स्ट एंड रावणा फर्स्ट, तो ये बहुत प्राउड की बात है इन दोनों कंट्रीज़ के लिए कि इतनी छोटी कंट्रीज़ हैं ये और इन्होंने भी अब स्पेस के अंदर कदम रख लिया है
और आने वाले फ्यूचर में मे भी उनका फ्यूचर ही ब्राइट हो। और अभी भी आपको पता लगा कि भाई श्रीलंका के अंदर बहुत ही क्रूरिटी के साथ में हमारे जो टेररिस्ट हैं उन्होंने बहुत ही बॉम्ब ब्लास्ट किए, तो उनके लिए भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और शांति की कामना करते हैं। नेक्स्ट अपन न्यूज़ देखें तो भाई ये ना अ बुक ऑफ पोएम खूनी वैसाखी ऑन जलियांवाला बाग मैसेकर रिलीज्ड इन यूएई। ठीक है, अभी देखो जलियांवाला बाग का भी अभी आया था कि भाई ब्रिटेन ने अपनी जो जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ था उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी थी। ठीक है, तो ये जलियांवाला बाग में से इंसिडेंट अपन कब मनाते हैं, 13 अप्रैल का रहता है ये। ठीक है, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था और ये हुआ था 1919 के अंदर। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में 19 अप्रैल को खूनी वैसाखी एक बैर बुक है पोयम, उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया है और 100 ईयर ओल्ड क्लासिक पंजाबी पोयम है ये, मतलब 100 साल हो चुके हैं इसको। और ये जो पोयम थी ये जलियांवाला बाग मैसेकर पे थी और इसका नाम रखा गया है खूनी वैसाखी हैज़ बिन रिलीज इन अबू धाबी। और ये कहाँ पे रिलीज हुई है, अबू धाबी पे। ठीक है, बुक ऑफ द पोएम देखो वापस मैं आपको बता देता हूँ, जो बुक है खूनी वैसाखी ऑन जलियांवाला बाग मैसेकर वो रिलीज की गई है कहाँ पे, यूएई के अंदर। ठीक है, और अब यूएई का नाम आता है तो भाई यूएई के बारे में अगर अपन को जानना है तो उनकी कैपिटल क्या है, अबू धाबी। करेंसी क्या है, जो वहाँ का दिरहम है, यूएई दिरहम। प्रेसिडेंट कौन है वहाँ पे, खलीफा बिन जायद। और पीएम कौन है वहाँ पे, मोहम्मद बिन रसीद। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ अगर अपन देखिए, यूनाइटेड टेरिटरी एंड 20 स्टेट्स ज्वाइन इंडिया पैन इंडिया सिग्नल इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112। तो अपनी जो यूनियन टेरिटरीज है और इसके अलावा 20 स्टेट्स ने अपना स्टेट इमरजेंसी जो है सिंगल इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर ले लिया है इंडिया का 112। जैसे अपना 100 है, 101 है, वैसे ही एक हेल्पलाइन नंबर अपन ने रिलीज़ किया है 112। ठीक है, दूसरी एक अपन न्यूज़ देखें, अ गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉय INS इम्फाल लॉन्च्ड बाय नेवी चीफ एडमिरल सुनील लांबा। तो ये भी अपने इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड वाला मूवमेंट था जब अपन ने अ गाइड INS इम्फाल जो अपना मिसाइल डिस्ट्रॉयर है वो लॉन्च किया था सुनील लॉन्च बाय जो अपने नेवल के जो चीफ है सुनील लांबा के द्वारा। ठीक है, और कहाँ पे किया था, ये मुंबई से किया था। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है मेंशन है यहाँ पे लॉन्च्ड बाय नेवल चीफ इन मुंबई, नेक्स्ट हो गया इन मुंबई। ठीक है ना, और ये डिज़ाइन कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था, नॉट मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ अपन देखें तो एक मलयालम फिल्म है जिसका नाम है भयंकम, वो उसने बेस्ट सिनेमाटोग्राफी अवार्ड जीता है बीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। अभी इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं कि भाई अभी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है, बीजिंग के अंदर हुआ है। वहाँ पे कौन सी फिल्म ने बेस्ट सिनेमाटोग्राफी अवार्ड जीता है, मलयालम फिल्म भयानकम ने जीता है। भयानकम क्या है, फियर, डर। ठीक है, और ये कौन सा अवार्ड था यहाँ पे, और इसने जो अपने यहाँ पे 65 नेशनल फिल्म अवार्ड हुआ था उसमें भी इसने बेस्ट सिनेमाटोग्राफी अवार्ड जीता था। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ अपन देखें, फॉर्मर क्रिकेटर जो रवि शास्त्री हैं उनको कॉर्पोरेट एम्बेसडर ऑफ दुबई बेस्ड रकीज़ है वहाँ पे है एक जो कॉर्पोरेट रकीज़ है जो वहाँ का एज ए कॉर्पोरेट एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है ना दुबई के अंदर रवि शास्त्री को। ठीक है, अच्छा, और ये रकीज़ की अगर अपन बात करें तो ये क्या है, ये एक्सक्लूसिव कॉर्पोरेट एम्बेसडर है इंडियन बिजनेस कम्युनिटी इन रैस एल खैमा इकोनॉमिक जोन। तो ये राकेश के प्रोग्राम है RAKEZ के रास अल खैमा इकोनॉमिक जोन इन दुबई। फिर नेक्स्ट न्यूज़ अपन देखें, स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2019 अवार्ड ये किसको दिया गया, ऑल इंडिया रेडियो को दिया गया, पब्लिकेशन डिवीज़न को दिया गया और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया को दिया गया। नेक्स्ट न्यूज़ अपन देखें, जो माइकलिन स्टार है चेफ विकास खन्ना। ठीक है, विकास खन्ना क्या है, एक ये शेफ है। ठीक है, उनको है ना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इंडो अमेरिकन आर्ट काउंसिल का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडो अमेरिकन आर्ट काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, विकास खन्ना को बनाया गया। नेक्स्ट न्यूज़ देखें, भाई नासा ने भी रिवील किया कि मरकरी जो है ना
वो मैसिव सॉलिड इनर कोर है। तो क्वेश्चन बन जाए कि मैसिव सॉलिड इनर कोर अभी किसको डिक्लेयर किया गया, तो मरकरी को किया गया। ठीक है, नासा, अगर नासा की फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ये यूएसए की एजेंसी है। ठीक है, यूएसए का स्पेस का एडमिनिस्ट्रेशन है ये। अगर अप्रैल 22 की बात करें अपन, तो इस दिन अपन कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, तो इंटरनेशनल मदर्स अर्थ डे। अर्थ डे कब आता है, अप्रैल 22 को। ठीक है, फिर नेक्स्ट न्यूज़ है कि भाई ईरान ने, ईरान इन कोलैबोरेशन विद पाकिस्तान, ईरान और पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें ईरान पाकिस्तान की बॉर्डर पे एक रिएक्शन फोर्स, जॉइंट बॉर्डर रिएक्शन फोर्स सेटअप करेगा टू फाइट टेररिज्म। या दोनों मिलके करेंगे या फिर एक कंट्री भी कर सकता है। एज एग्री टू सेटअप जॉइंट बॉर्डर, जॉइंट बॉर्डर वो भी करे और आप भी करो, हम भी कर रहे हैं। तो रिएक्शन फोर्स फाइट टेररिज्म के अगेंस्ट में ईरान और पाकिस्तान के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। ये भी ऐसा क्यों हुआ है, जब अपने आगे पुलवामा अटैक भी हुआ था उसी टाइम पे, जब अपना पुलवामा अटैक हुआ था उसी टाइम पे, शायद नेक्स्ट डे ही या नेक्स्ट वन डे बिफोर या वन डे आफ्टर द पुलवामा अटैक, ईरान के अंदर भी अटैक हुआ था। और ईरान ने पाकिस्तान को ब्लेम किया था कि ये जो अटैक हुआ है वो आपके टेररिस्ट स्पॉन्सर्ड है। तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हुआ था, बहुत उनकी बदनामी भी कह सकते हैं आप, टेंटेड हुए थे, छेड़खानी करते रहते थे, तो भाई हो गई। तो ईरान के साथ में अभी इसने एग्रीमेंट कर लिया है कि भाई आप जॉइंट बॉर्डर रिएक्शन फोर्स अपॉइंट करें फ्रॉम बोथ साइड्स। अगर अपन देखें, देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड की फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन कहाँ पर लॉन्च करी है। देखो तो ये हमारे WHO है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी, ये कंपनी है जिसके अंदर है ना उन्होंने मलेरिया की वैक्सीन बनाई थी और ये काफ़ी टाइम से चल रही है। बट इसको लार्ज लेवल पे इसको बढ़ाने के लिए इन्होंने अब एक कंट्री के अंदर, मतलब कंट्री एक कंट्री में तो क्या, तीन कंट्री के अंदर इसको वहाँ के जो छोटे बच्चे हैं उनको ये मलेरिया की दवाई वहाँ पे फ्री के अंदर उनको दे रहे हैं। तो ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये इसको स्पॉन्सर कर रहा है, क्योंकि वही इन सबको जो इवेंट होते हैं वही ऑर्गेनाइज कराता है। तो कोऑर्डिनेटेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हो रहा है। इसके अंदर जो वैक्सीन है वो RTS है, RTS भी इसको कहते हैं, एस ऑल्सो नोन एज मॉस्क्यूरिस, ठीक है, मॉस्क्यूरिस भी इसको कहते हैं। और ये मलावी के अंदर अभी सबसे पहले मलावी के अंदर हुआ है, उसके बाद में घाना और केनिया के अंदर भी ये किया गया था। इस पर भी वहाँ के जो बच्चे हैं उनको मलेरिया की वैक्सीन दी गई थी। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखें भाई कि वहाँ का जो ये मलावी है, मतलब अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर क्या है, मलेरिया के बहुत ज़्यादा सिम्टम्स वहाँ के जो वहाँ के बच्चे हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं ये सिम्टम्स। और काफ़ी बच्चे प्रीवियस ईयर्स के अंदर आप देखेंगे, कुछ बीते लास्ट 5 ईयर्स के अंदर, तो वहाँ पे काफ़ी बच्चे स्टूडेंट्स इस कारण, मलेरिया के कारण मरे भी हैं। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो रेडी हो गई है इस चीज़ के लिए कि हाँ आप यहाँ के बच्चों को दे दें, क्योंकि ये पूरी श्योरिटी नहीं है कि ये जो वैक्सीन है ये मलेरिया से आपको ख़त्म ही कर देगी। देखो अभी भी जो हमारे एक्सपर्ट है साइंटिस्ट के, उन्होंने इसको रिकमेंड नहीं किया कि हाँ ये 100% सेफ है ये वैक्सीन अगर आप यूज़ करें। तो फिर भी ये वैक्सीन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है, ये 60-70% आप कह सकते हैं ये काफ़ी हद तक कंपेयर टू अदर मेडिसिन काफ़ी असरदार है ये मेडिसिन। तो आप इसको वहाँ पे इसी कारण वहाँ की कंट्रीज़ ने चलो कहा कि भाई ठीक है, हमारे वैसे यहाँ पे मलेरिया का कोई वैक्सीन अभी है नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो जो ये मेडिसिन आई है कुछ एक्सटेंट तक देखते हैं इनका क्या रिपोर्ट आता है, और अगर ये पॉजिटिव रिपोर्ट आता है तो ये बहुत ही अच्छा अदर कंट्रीज़ के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, और माइट बी पॉसिबल दैट यू विल सी दिस मेडिसिन इन द अवर कंट्री ऑल्सो इन द फ्यूचर। आप जल्दी देख सकते हैं हमारी कंट्री के अंदर भी शायद ये जल्दी ही लॉन्च हो जाए, मतलब लॉन्च इन द सेंस कि मतलब हमारी कंट्री के अंदर भी ये मेडिसिन अपने बच्चों को यहाँ के बच्चे हैं उनको भी ये मेडिसिन दी जाए। बट ये डिसाइड कौन करेगा, हमारी गवर्नमेंट करेगी। अभी के लिए ये है कि ये मलेरिया वैक्सीन मलावी, घाना और केन्या के अंदर लॉन्च की है। ठीक है, नेक्स्ट कंट्री अपन नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। अब भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक कॉनकनी के अंदर रिलीज करिए, और ये किसने करी है, पीटर पॉल सल्धाना, ठीक है, इसने ये रिलीज करी है, पीटर पॉल ने कॉनकनी लैंग्वेज के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक रिलीज करी है। ठीक है,
नेक्स्ट न्यूज़ अपन देखें तो यूएई बेस्ड इथियाड जो एयरबेस है, इथियाड एयरबेस है जो यूएई बेस्ड है, वो पहली मेजर एयरलाइन बन चुकी है जिसने प्लास्टिक फ्री फ्लाइट ऑपरेट करी। ठीक है, प्लास्टिक फ्री फ्लाइट वहाँ पे रहेगी, और ये कब करिए, 22 अप्रैल को, अर्थ डे के दिन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई अभी SBI ने एक लॉन्च की है इंडियन फर्स्ट ग्रीन कार लोन। जो ये ग्रीन कार लोन है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, जिसमें जिससे जो कस्टमर्स हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो लोन है उसमें जो जिनको देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है, वो इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट रेट भी इन्होंने कम कर दिए, इससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदें। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ रहेगी कि जो भंडारकर है, हेलन है, भंडारकर और हेलन को दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया है 2019 का। अब देखो ये इसके बारे में अपन देखें तो जो अवार्ड है विनिंग फिल्म मेकर, ये फिल्म मेकर मधुर भंडारकर। तो मधुर भंडारकर कौन है, फिल्म मेकर है। पॉपुलर स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान है, सलीम खान कौन है, पॉपुलर स्क्रिप्ट राइटर है। और जो हेलन है वो डांसिंग है, दिवा हेलन कौन है, डांसर है। इनको दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2019 दिया गया है। ठीक है, मंदुर भंडारकर को, सलीम खान को और डांसिंग दीवा हेलन को। नेक्स्ट न्यूज अपन देखें तो रशिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वो फ्लोटिंग है, मतलब आराम से नदी में तैर रहा है, मतलब इधर से उधर जा सकता है। ठीक है, उसका नाम क्या रखा है इन्होंने, अकादमिक लोमोनोसो। और ये क्या करेगा, इसकी 4 यूनिट ब्लीबुना प्लांट है जो 40 मेगावाट की सी कैपेसिटी है। ठीक है, तो रशिया के अंदर किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। यूएसए ने सिक्योर कर लिया है फर्स्ट ओडीआई स्टेटस फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब अब यूएसए भी क्रिकेट के अंदर एंटर हो चुका है। ठीक है, इसके बाद में और भी कंट्रीज अभी देखेंगे आप, वो भी है ना ओडीआई स्टेटस वो भी पा रही है। तो इसमें यूएसए ने भी अपना नाम जोड़ लिया है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ अगर अपन देखें तो नेशनल पंचायत डे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, नेशनल पंचायत डे इज ऑब्जर्व ऑन 24 अप्रैल। तो 22 को तो अर्थ डे था, 24 अप्रैल हो गया पंचायत डे है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, इसको है ना, देखो इसको डिक्लेयर किसने किया था, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंडिया मनमोहन सिंह ने किया था 2010 के अंदर। और ये है क्या, ये कॉन्स्टिट्यूशन 73 एग्रीमेंट है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपने अपना जो संविधान है वो अगर पढ़ रखा है, ठीक है, और आपको मालूम भी होना चाहिए अपने संविधान के बारे में, उसके अंदर जो जो अपनी जो शेड्यूल है उसके अंदर 73 अमेंडमेंट 92 के अंदर को ऐड किया गया था पंचायती राज को। ठीक है, तो केम इन टू द फोर्स, और ये कब आया था, 24 अप्रैल 1993 से फोर्स में आ गया था, जब उसको वेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दे दिया गया था पंचायती राज को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये आर्टिकल क्या, सॉरी, ये शेड्यूल ये है 11th के अंदर। ठीक है, 12 शेड्यूल है, जो 11 शेड्यूल है पंचायती राज है, और जो 12वां शेड्यूल है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए। 73 एग्रीमेंट अपन ने किया था शेड्यूल 11th के अंदर पंचायती राज को जोड़ने के लिए, और 74 अमेंडमेंट अपन ने किया था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 12th शेड्यूल के अंदर जोड़ने के लिए। ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट न्यूज़ अपन देखें कि व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग ने फर्स्ट एवर टॉक्स इन रशिया के अंदर किया है। अब क्वेश्चन ये जरूरी नहीं कि वह रशिया पूछे, वो ये भी पूछ सकता है कि रशिया में कहाँ पे किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्लादिवोस्तोक ने। ठीक है, व्लादिवोस्तोक ने, व्लादिवोस्तोक रशिया के अंदर पड़ता है, इसको वो ऑप्शन में मॉस्को देगा आपको, तो मॉस्को नहीं है इसका आंसर, व्लादिवोस्तोक है। व्लादिवोस्तोक रशिया के अंदर पुतिन और किम जोंग की फर्स्ट एवर मीटिंग हुई है। तो अभी आपने देखा होगा भाई यूएसए के जो ट्रंप है और जो अपने किम जोंग यून है नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट, या बोले तानाशाह भी है, इसको तानाशाह भी कहते हैं, तानाशाह किम जोंग उन साउथ नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ नॉर्थ कोरिया के और पुतिन के ट्रंप के बीच में जो मीटिंग चल रही थी उसका कोई रिजल्ट, कोई आउटपुट नहीं निकला। तो एट द एंड
अपने जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट तानाशाह हैं किम जोंग उन, उन्होंने डिसाइड किया कि वह पुतिन से मिलेंगे। तो इसलिए फर्स्ट एवर, वो आज तक अभी उनकी मीटिंग हुई नहीं क्योंकि उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट है। तो उनकी फर्स्ट उस डिस्प्यूट को छोड़ते हुए, उसको बुलाते हुए इन दोनों ने मीटिंग करी है। ये जो किम जोंग उन है तानाशाह, ये खुद रशिया गए हैं और वहाँ पे व्लादिवोस्तोक में उन्होंने मीटिंग करी है। ठीक है, ये एडिशनल न्यूज़ थी। अच्छा, एक राणा दास गुप्ता है जिसको रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज 2019 दिया गया है। किसको दिया गया? राणा दास गुप्ता, राणा दास गुप्ता। और किसके लिए दिया गया? उसकी जो नोवल है सोलो, उसके लिए दिया गया, नोवल सोलो के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ देखें तो सौरभ चौधरी और मनु भाकर ने गोल्ड मेडल जीता है ISSF इंडियन, ये शूटिंग टूर्नामेंट है, इंडियन स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन, बीजिंग के अंदर हुआ था ये वर्ल्ड कप 2019। ठीक है, बीजिंग, अब कहाँ हुआ था? देखो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ISSF का वर्ल्ड कप 2019 कहाँ पे हुआ था? बीजिंग चाइना के अंदर हुआ था। इंडिया से गोल्ड मेडल किसने जीता? सौरभ चौधरी ने और मनु भाकर ने पूछा जीता। अब वो यही पूछ सकता है कि भाई मनु भाकर और सौरभ चौधरी किस गेम से रिलेटेड है? तो ये शूटिंग से रिलेटेड है, 10 मीटर एयर पिस्टल। ठीक है, अब देखो मैंने आपको जब अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि RBI ने ये 20 रुपीज़ का नोट रिलीज किया है। इसमें जो सा कलर है वो ग्रीनिश येलो है, इसकी जो साइज है वो 63x129 है और इसमें एलोरा केव भी इसके अंदर दिखा जा सकता है इस 20 रुपीज़ नोट के अंदर। तो देखो ग्रीनिश येलो भी इंपॉर्टेंट है, कलर ध्यान रखना, ग्रीनिश येलो इसका इंपॉर्टेंट है और एलोरा केव भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज अपन देखें तो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019 ये कहाँ पे हुई है? ये हुई है बैंकॉक थाईलैंड के अंदर। एशिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है? बैंकॉक थाईलैंड के अंदर हुई है, जिसके अंदर इंडिया ने 13 मेडल जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड मेडल है, 4 सिल्वर मेडल है एंड 7 ब्रॉन्ज मेडल है। अभी गोल्ड मेडल ये किस किसने जीता है? ये अमित पांगल ने जीता है एंड पूजा रानी ने जीता है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अमित पांगल या पूजा रानी कौन से गेम से रिलेटेड है? तो ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है, एक अमित है और पूजा है। ठीक है, वहाँ पे कौन था? तो अभी मैंने आपको बताया था ना, वहाँ पे कौन था? सॉरी ये रहा, सौरभ चौधरी एंड मनु भाकर। ठीक है, सौरभ चौधरी और मनु भाकर कौन से गेम से रिलेटेड है? ये है शूटिंग से। ठीक है, अब कौन है? अमित और पूजा। ठीक है, अमित पंघल एंड पूजा रानी ये किससे हैं? बॉक्सिंग से। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखें तो साउथ अफ्रीका के जो जैक कालिस हैं, सब जानते हैं इनको, इनको एक माना का अवार्ड दिया गया 2019 का, और ये किसने दिया है? प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका के, सायरिल रामाफोसा ने। ये भी इम्पोर्टेंट है कि भाई साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन है? सायरिल रामाफोसा। नेक्स्ट न्यूज अपन देखें तो एशिया का एथलेटिक चैंपियनशिप 2019 हुआ है। एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप 2019 कहाँ पे हुआ है? दोहा कतर के अंदर। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, दोहा कतर के अंदर 2019 का एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ है, जिसमें इंडिया ने 17 मेडल जीते हैं, 3 गोल्ड, 7 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज। इसमें जो बहरीन है वो फर्स्ट नंबर पर रहे, बहरीन फर्स्ट नंबर पर, चाइना सेकेंड पे, जापान एंड इंडिया फोर्थ नंबर पे। ठीक है, तो टॉप पे किसने किया है? बहरीन। फोर्थ में कौन है? इंडिया। कहाँ पे हुआ है एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप? दोहा कतर के अंदर। इसमें 3 गोल्ड मेडल किसने जीते हैं? गोमाती मरीमुथा ने, तेजेंद्र पाल सिंह ने एंड पीयू चित्रा ने। जो गुमाती मरीमुथा है, इसने गोल्ड मेडल जीता है रेस के अंदर, वुमेन 800 मीटर रेस के अंदर। ठीक है, तो रेस में कौन है? गुमाती मरीमुथा। तेजेंद्र पाल सिंह किसने गोल्ड मेडल मैन शॉट पुट के अंदर जीता है, तो मैन शॉट पुट से रिलेटेड कौन है? तेजेंद्र पाल सिंह। ठीक है, पीयू चित्रा ने गोल्ड मेडल जीता है 50 मीटर, 1500 मीटर रेस के अंदर, तो रेस में कौन है? पीयू चित्रा। ठीक है, तो घुमाती और पीयू चित्रा या मारीमुथा या चित्रा, मारीमुथा और चित्रा तो रेस से रिलेटेड है और तेजेंद्र पाल सिंह शॉर्ट पुट से रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूज़ देखें तो वर्ल्ड मलेरिया डे का बात है, 25 अप्रैल का बात है। इसकी थीम क्या थी इस बार? जीरो मलेरिया, मलेरिया स्टार्ट विथ मी। अभी इसमें ना रिसेंटली अपनी गवर्नमेंट का एक स्टेटमेंट आया, जिसमें हमने कहा है कि हम 2030 तक अपने इंडिया से मलेरिया को कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे, और जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी इसकी थीम थी। जीरो मलेरिया, मलेरिया स्टार्ट्स विद मी क्या बताया? 25 अप्रैल, ये भी इम्पोर्टेंट है। अर्थ डे का बताया? 22 अप्रैल। ठीक है, पंचायत डे का बताया? अगर आपको याद आ रहा है तो अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि भाई पंचायत डे कब आता है। इंडियन नेवल वॉरशिप, वॉरशिप हुआ है कहाँ पे हुआ है? ये चाइना के अंदर हुआ है।
इंडियन नेवल वॉरशिप ने उसके अंदर पार्ट, सॉरी इंडियन वॉरशिप ने पीएलए नेवल एनिवर्सरी, पीएलए क्या है, पीपल लिबरेशन आर्मी है जो कि चाइना की है, उसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है, 70th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है चाइना के अंदर। इसमें इंडियन नेवल वॉरशिप भी गई है, कौन कौन सी गई है, INS कोलकाता और INS शक्ति। 150 इंडियन पीस कीपर ऑनर्ड को, उनको ऑनर किया गया है, UN मेडल दिया गया है फॉर देयर सर्विस इन UN मिशन इन साउथ सूडान, UNMISS। अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखो क्या होता है कि ये क्या है, इंडियन पीस कीपर क्या है, इंडिया ने अपने कुछ सोल्जर्स UN जो से अपने जो UN का है UN से शांति अपने ये UN क्या करता है, कंट्रीज किसी भी कंट्रीज के अंदर अगर कोई भी लड़ाई वड़ाई होती है, कोई भी वॉर होता है, तो वो खुद की सोल्जर्स जो आर्मी रहती है वो भेजता है। अब वो आर्मी उनकी खुद की नहीं है, वो आर्मी वो और कंट्रीज से लेता है, उसके लिए वो उनको पे भी करता है। तो अपने इंडियंस, इंडिया की गवर्नमेंट ने भी अपने सोल्जर्स UN को दे रखे हैं उस, और UN ने साउथ सूडान के अंदर जो भी वॉर चल रहा था वहाँ पे उन सोल्जर्स को वहाँ पे भेजा था। तो जो सोल्जर्स वहाँ पे गए तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया वहाँ पे, आराम से वहाँ पे लोगों को शांत करवाया, वहाँ की वॉर जीती, और कुछ भी अगर वहाँ के जो रहने वाले थे, जो वहाँ के रेसिडेंट्स थे, रेसिडेंस पीपल्स थे, उनकी हेल्प करी। तो जो उनका जो काम था उसको देखते हुए जो इंडिया के जो पीस कीपर्स थे, पीस कीपर्स मतलब शांति, शांति दूत भी कह सकते हैं आप, तो इंडियन की 150 इंडियन पीस कीपर्स, उनको UN ने मेडल दिया है। जो UN के जो मिशन थे वो साउथ सूडान के अंदर वहाँ पे उन्होंने सर्विस करी, ठीक है बस। बट ना जो अगर आप देखेंगे इस कैरियर में, और अगर आप नॉलेज लेना चाहेंगे तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो UN के पास में जो है ना, इनको पैसे देने के लिए पैसे ही नहीं है, मतलब इनकी जो सैलरी है वो सैलरी ही नहीं आ रही है, क्योंकि UN के पास में जो उनका फंड है वो ख़त्म सा हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि जो कुछ डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे US है और भी अदर कंट्रीज है, वो अपना फंड उनको नहीं दे रही है। तो कुछ कंट्रीज तो क्या करती है, अपनी आर्मी प्रोवाइड कराती है इस UN के अंदर, और कुछ कंट्रीज क्या करती है, कुछ पैसे जो पैसे देती है इनको, फंड प्रोवाइड कराती है। तो जो UN है, जो UN है उनके पास में पैसा ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ जब से ट्रंप आए हैं तब से देखा जा रहा है कि भाई ये जो फंड वो पहले दे रहे थे वो अब UN को नहीं दे रहे हैं। तो क्या जब UN के पास में पैसा ही नहीं है तो वो पैसा कहाँ से देगी, तो ये बात भी अभी चल रही है। माइट बी पॉसिबल है कि भाई इनकी सैलरी जल्दी आ जाए इनके पास में। अच्छा नेक्स्ट न्यूज अपन देखें तो भाई संतोष ट्रॉफी जीती है सर्विस बैग ने और हराया है पंजाब, फुटबॉल टूर्नामेंट है कि ध्यान रखना संतोष ट्रॉफी। अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी कौन से गेम से रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है, और ये इसने सर्विस बैग ने ये ट्रॉफी जीत ली है, ठीक है। इंडोनेशिया ने एक रिलीज किया, एक रामायण स्टैम्प रिलीज किया इंडोनेशिया ने, ठीक है। ये क्यों रिलीज किया, जो इंडिया की और इंडोनेशिया की जो डिप्लोमेटिक टाइज है उसकी 70th एनिवर्सरी में इन्होंने रामायण स्टैम्प रिलीज किया। और इंडियन पॉपुलेशन, देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इंडियन पॉपुलेशन कितनी परसेंट बढ़ी है, 1.2% बढ़ी है ऑन द एवरेज एनुअल रिपोर्ट, ऑन एनुअल रेट जो UN ने ये रिपोर्ट रिलीज करी है, और ये डबल है जो एनुअल ग्रोथ रेट दिखी जाए चाइना की। मतलब ये क्या चाह रहे हैं कि 2010 से लेकर 2019 तक जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1.2% बढ़ी है, और इसी टाइम पे अगर अपन चाइना को देखें तो चाइना से डबल है, मतलब वहाँ की 0.6% बढ़ी है, और इसी रेट से अगर बढ़ती जाएगी तो आप देखेंगे कि भाई अपन चाइना को पीछे छोड़ देंगे, किसी चीज़ में पीछे छोड़े ना छोड़े बट पॉपुलेशन के अंदर अपन चाइना को पीछे छोड़ ही देंगे और टॉप पे पहुँच जाएंगे। तो सोचने वाली बात है। नेक्स्ट अपन देखें तो भाई इतनी ही करंट थी भाई, इसी के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि भाई हमारे करंट का टॉपिक कम्प्लीट हो चुका है। अप्रैल कि सारी करंट मैंने आपको बता दी है, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, डिटेल के साथ मैंने आपको बताया, इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के मिल जाएगी, लिंक मैंने आपको दे दिया है, देखो लिंक मैंने आपको मेंशन कर रखा है एग्जाम वॉच ऑफिशियल, लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और PDF अगर आप डाउनलोड करनी है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जुड़ जाएँ,
वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं जो कि examwatch.in कर करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले जो भी वीडियो हैं वो आप आराम से देख सकें। उसके लिए आपको एक काम और करना पड़ेगा, बेल नोटिफिकेशन दबाना पड़ेगा, जिससे कोई भी वीडियो अगर हम आगे बनाते हैं जो कि हम बनाएंगे ही आपके लिए, तो जैसे हम वीडियो हम डालते हैं आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।